चैत्र हिंदू पंचांग का पहला मास है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र माह की प्रतिपदा से मानी जाती है। ऐसे में साल 2024 में हिंदू नववर्ष की शुरुआत विक्रम संवत 2081 9 अप्रैल मंगलवार के दिन से हो रही है। साथ ही इस दिन से चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं, जिसमें आदि शक्ति के 9 रूपों की पूजा करने का विधान है। हिंदू वर्ष का पहला मास होने के कारण चैत्र की बहुत ही अधिक महत्ता है। अनेक पर्व इस मास में मनाए जाते हैं। चैत्र मास की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र में होती है, इसी कारण इस महीने का नाम चैत्र पड़ा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ऐतिहासिक महत्व भी है। कहते हैं इसी दिन के सूर्योदय से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। सम्राट विक्रमादित्य ने इसी दिन राज्य स्थापित किया। इन्हीं के नाम पर विक्रमी संवत का पहला दिन प्रारंभ होता है। प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक का दिन यही है। शक्ति और भक्ति के 9 दिन अर्थात नवरात्र का पहला दिन यही है। सिखों के द्वितीय गुरु श्री अंगद देव जी का जन्म इसी दिन हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसी दिन आर्य समाज की स्थापना की थी। सिंध प्रांत के प्रसिद्ध समाज रक्षक वर्णावतार झूलेलाल इसी दिन प्रकट हुए। राजा विक्रमादित्य की भांति शालीवाहन ने हूणों और शकों को परास्त कर भारत में श्रेष्ठतम राज्य स्थापित करने हेतु यही दिन चुना, शक संवत की स्थापना की। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ। महर्षि गौतम जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसमें मुख्यतः ब्रह्मा जी और उनके द्वारा निर्मित सृष्टि के प्रमुख देवी देवताओं, यक्ष राक्षस, गंधर्व, ऋषि मुनियों, नदियों, पर्वतों, पशु पक्षियों और कीट पतंगों का ही नहीं, बल्कि रोगों और उनके उपचारों तक का भी पूजन किया जाता है। इसी दिन से नया संवत्सर शुरू होता है, अतः इस तिथि को नव संवत्सर भी कहते हैं। चैत्र ही एक ऐसा महीना है जिसमें वृक्ष तथा लताएं पल्लवित व पुष्पित होती हैं। शुक्ल प्रतिपदा का दिन चंद्रमा की कला का प्रथम दिवस माना जाता है। जीवन का मुख्य आधार वनस्पतियों को सोमरस चंद्रमा ही प्रदान करता है। इसे औषधियों और वनस्पतियों का राजा कहा गया है, इसलिए इस दिन को वर्षारंभ माना जाता है। वही सतयुग का आरंभ भी चैत्र माह से माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी महीने की प्रतिपदा को भगवान विष्णु के दशावतारों में से पहले अवतार मत्स्य अवतार अवतरित हुए एवं जल प्रलय के बीच घिरे मनु को सुरक्षित स्थल पर पहुंचाया था, जिनसे प्रलय के पश्चात नई सृष्टि का आरंभ हुआ। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा या वर्ष प्रतिपदा या उगादि कहा जाता है। इस विजय के प्रतीक रूप में शालीवाहन शक का प्रारंभ इसी दिन से होता है। लोक कथा है, मराठी शासक शालीवाहन नामक एक राजा ने मिट्टी के सैनिकों की सेना बनाई और उस पर पानी छिड़ककर उनमें प्राण फूंक दिए और इन सेना की मदद से शक को पराजित किया। इतिहास प्रमाण यह है कि शालीवाहन राजा थे और उनकी विशाल सेना ने शक नामक शत्रुओं को पराजित किया और मराठी साम्राज्य का विस्तार किया। इस विजय के प्रतीक के रूप में शालीवाहन शक का प्रारंभ हुआ। कई लोगों की मान्यता है कि इसी दिन भगवान राम ने वानर राज बाली के अत्याचारी शासन से दक्षिण की प्रजा को मुक्ति दिलाई। बाली के त्रास से मुक्त हुई प्रजा ने घर घर में उत्सव मनाकर ध्वज फहराए। गुड़ी का अर्थ विजय पताका होता है। आज भी घर के आंगन में गुड़ी खड़ी करने की प्रथा महाराष्ट्र में प्रचलित है, इसलिए इस दिन को गुड़ी पड़वा नाम दिया गया। युग और आदि शब्दों की संधि से बना है युगादि। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादि और महाराष्ट्र में यह पर्व गुड़ी पड़वा यानी मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में सारे घरों को आम के पेड़ की पत्तियों के वंदनवार से सजाया जाता है। सुखद जीवन की अभिलाषा के साथ यह वंदनवार समृद्धि व अच्छी फसल के भी परिचायक है। उगादि के दिन ही पंचांग तैयार होता है। महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने इसी दिन से सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, महीना और वर्ष की गणना करते हुए पंचांग की रचना की। शालीवाहन शक का प्रारंभ इसी दिन से प्रारंभ होता है। सिंधी समुदाय का त्यौहार चेट्रीचंड भी एक ऐसा ही त्यौहार है। यह वरुण देव, जल देवता, साई झूलेलाल, जिनका एक नाम
उदरोलाल भी है का जन्मदिन समारोह है। सिंधियों में इसे एक अत्यंत शुभ दिन माना जाता है और यह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सिंधियों के लिए चेटरी चंड नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन सिंधी समुदाय के लोग विभिन्न अनुष्ठान करते हैं और लगातार 40 दिनों तक प्रार्थना करते हैं। इस भेंट को चालीहो के नाम से जाना जाता है। इसके बाद वे चेटरी चंड का भव्य उत्सव मनाते हैं। उनमें से कई लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं और व्रत पूर्ण होने पर फलों को ग्रहण कर अपना व्रत तोड़ते हैं। अनुष्ठान में बहराना साहिब बनाते हैं। इसमें तेल का दिया, इलायची, चीनी, फल और अखो रखा जाता है और इसे झील या नदी में ले जाते हैं। साथ ही भगवान झूलेलाल की प्रतिमा भी होती है। गेहूं के आटे का दीपक बनाकर उसमें 5 बाती वाली बत्ती जलाई जाती है, जिसे ज्योति जगन कहते हैं। फिर बहराना साहिब को पानी में विसर्जित कर भगवान को प्रसन्न करने तथा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पल्लव गाए जाते हैं और प्रसाद बांटे जाते हैं। नव वर्ष के अवसर पर आंध्र प्रदेश में घरों में पचड़ी प्रसादम तीर्थ के रूप में बांटा जाता है। कहा जाता है कि इसका निराहार सेवन करने से मानव निरोगी बना रहता है, चर्म रोग भी दूर होता है। इस पेय में मिली वस्तुएं स्वादिष्ट होने के साथ साथ आरोग्यप्रद भी होती हैं। महाराष्ट्र में पूरन पोली या मीठी रोटी बनाई जाती है। इसमें जो चीज़ें मिलाई जाती हैं वे हैं गुड़, नमक, नीम के फूल, इमली और कच्चा आम। गुड़ मिठास के लिए, नीम के फूल कड़वाहट मिटाने के लिए और इमली व आम जीवन के खट्टे मीठे स्वाद चखने का प्रतीक होती है। यूं तो आजकल आम बाजार में मौसम से पहले ही आ जाते हैं, किंतु आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसी दिन से खाया जाता है। चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी का त्यौहार देश के विभिन्न हिस्सों में गहरी आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, जिनका हिंदू धर्म और आस्था में सर्वोच्च स्थान है। भारतीय नववर्ष का प्राकृतिक महत्व भी बहुत है। वसंत ऋतु का आरंभ वर्ष प्रतिपदा से ही होता है, जो उल्लास, उमंग, खुशी तथा चारों तरफ पुष्पों की सुगंध से भरी होती है। फसल पकने का प्रारंभ यानी किसान की मेहनत का फल मिलने का भी यही समय होता है। नक्षत्र शुभ स्थिति में होते हैं, अर्थात किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए यह शुभ मुहूर्त होता है। विविधता में एकता का प्रतीक भारत एक अद्भुत जगह है, जहाँ अनगिनत संस्कृतियाँ एकाकार होती हैं। यहाँ अनेकों धर्मों और मतों को मानने वाले लोग रहते हैं, जो असंख्य त्योहारों को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं।